7 फरवरी को एचआरटीसी बस से टक्कर के बाद हवा में झूल गई कार, 30 यात्रियों की अटकी सांसें। भोपाल कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्लावार, पुलिस के साथ देखते हैं खबरें विस्तार। गोंदिया जिला मराठी पत्रकार संघ द्वारा ग्राम खातिया में रमाई जयंती कार्यक्रम 7 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा गोंदिया जिला मराठी पत्रकार संघ द्वारा ग्राम खातिया में रमाई जयंती कार्यक्रम 7 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर भगवान गौतम बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, माँ रमाई की प्रतिमाओं की स्थापना के लिए भूमि पूजन, चबूतरा निर्माण कार्य का शुभारंभ एवं पीपल वन वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता राधेश्याम शर्मा करेंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन जिले के पालक मंत्री व सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बड़ोले एवं शांताराई बड़ोले के हाथों किया जाएगा। इस अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहने की अपील एडवोकेट वीरेंद्र जायसवाल ने की है। सोमवार दोपहर करीब 11 बजे चंबा में एचआरटीसी बस और कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की घायल होने की खबर है। एचआरटीसी बस और कार की भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि कार पिरामिड को तोड़ते हुए हवा में उड़ गई। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति घायल हो गया, जबकि बस में सवार करीब 30 यात्रियों की सांसें अटक गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने बचाव कार्य शुरू कर दिया और फिर घायल व्यक्ति को मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भेजा गया। भोपाल प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर आज बीजेपी ने राजधानी के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस नेटवर्क की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया डाउनलोड करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।